वहीं त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह 5 जनवरी को त्रिपुरा में रथ यात्रा निकालेंगे। अमित शाह दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा। श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का रांची में जैन समाज ने विरोध किया। जैन समाज ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तंज कसा है। केशव मौर्य ने कहा कि राहुल की यात्रा का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तराखंड में बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा सरकार बिजली की दरें बढ़ाकर जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है। डर्टी ऑडियो और वल्गर वीडियो बाहर आने के बाद पहली बार इमरान खान ने इस मामले पर मुंह खोला और बताया कि कैसे उनके साथ धोखा किया गया। इमरान खान ने कहा कि बाजवा के इशारे पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये भी बताया कि जब पिछले साल अगस्त में उनकी बाजवा से आखिरी बार मुलाकात हुई थी तभी उन्हें लग गया था कि वो पाला बदल चुके हैं क्योंकि तब बाजवा ने उन्हें प्लेबॉय कहा था। अगस्त के करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं और मुझे कहते कि आप भी प्लेबॉय थे। इमरान खान ने इस दौरान स्वीकार किया कि वो प्लेबॉय थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। तो अल्लाह का कुरान में वो कहता है मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पे ले गया हूँ। कुल मिलाकर इमरान खान ने स्वीकार कर लिया कि अश्लील वीडियो और ऑडियो उन्हीं के हैं लेकिन उन्होंने ये कहकर सनसनी मचा दी कि ये वीडियो और ऑडियो बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा थे। इमरान खान ने आरोप लगाया कि बाजवा के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उनकी जासूसी की, तमाम ऑडियो और वीडियो बनाए, यही नहीं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर फोन लाइन की टैपिंग की। और इमरान खान ने दावा किया कि बाजवा ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने आखिरकार चोरों का ही समर्थन किया। तो जब जनरल बाजवा को भी ये पता चला तो उनको रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। जो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने उसी पॉलिसी पे चलते रहे और बजाय ये कि चेंज करें उन्होंने सख्तियां की, उन्होंने वो किस्म का जुल्म किया जो आजम स्वाति से किया, जो शहबाज गिल से किया, जो सहाफियों से किया, रोशद शरीफ से किया और मेरे ऊपर केसेस के ऊपर केसेस हर रोज बनने शुरू हो गए। इमरान खान ने कहा कि उन्हें बाजवा पर बहुत ज्यादा भरोसा था क्योंकि वो भी विरोधी पार्टियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोसते रहते थे। तो फिर सवाल ये है कि बाजवा ने इमरान से दगाबाजी आखिर क्यों की? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूर्व सेना प्रमुख ने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया जिसने उन्हें एक्सटेंशन दिया था? इन तमाम सवालों के जवाब भी इमरान खान ने ही दिए। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन से पहले तक बाजवा उनके साथ खड़े थे लेकिन एक्सटेंशन मिलते ही वो पलट गए। दरअसल बाजवा की भुट्टो और शरीफ परिवार से साठगांठ हो चुकी थी और मौका मिलते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। जो एक्सटेंशन होगी तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर जो बोर्ड पास करवाया असेंबली के अंदर सारी इन पार्टीज को साथ मिलाया और नून लीग को खास तौर पे ऑन बोर्ड लिया तो मेरे ख्याल में तब अंडरस्टैंडिंग होगी थी इनकी। इमरान खान ने बताया कि जब बाजवा के कहने पर हुसैन हकानी की बहाली हुई तभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो शहबाज शरीफ को पीएम बनवाना चाहते हैं। ये प्लान बन गया था पिछली गर्मियों में, अब पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, 2021 की गर्मियों में, और उसके बाद काम शुरू हो गया था यानी हुसैन हकानी को हायर किया गया। इमरान खान की माने तो हुसैन हकानी को बाजवा ने अपॉइंट किया था और उसने उनके खिलाफ अमेरिका में कैंपेन भी चलाई। नए साल का स्वागत करने के लिए दिल्ली वालों ने 31 दिसंबर को शराब खरीदने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आंकड़ों की माने तो 31 दिसंबर को दिल्ली में शराब की 20,30,000 बोतलें बिकी जो एक दिन में शराब की सबसे ज्यादा बोतलें बिकने का नया रिकॉर्ड है। इन बोतलों पर दिल्ली वालों ने एक दिन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की। इससे पहले यह रिकॉर्ड दिवाली के दिन के नाम था जब दिल्ली में एक दिन में शराब की 19,42,000 बोतलें बिकी थी।
आबकारी विभाग की जानकारी के मुताबिक दिसंबर के महीने में शराब की 4,27,00,000 से भी अधिक बोतलों की बिक्री हुई और इनसे आबकारी विभाग को 560 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। हालांकि एक महीने में शराब की सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड सितंबर 2022 के नाम है, जब दिल्ली में 789 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी थी। वहीं बिहार के वैशाली में जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बिहार में बदलाव की जरूरत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हम विकास पर ध्यान दे रहे हैं, कोई क्या बोलता है इस पर ध्यान नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने सुल्तानपुरी पहुंचकर अंजलि के परिवार वालों से मुलाकात की। चंद्रशेखर रावण ने कहा अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भी 31 दिसंबर को दिल्ली जैसी घटना हुई। यहां कार सवार युवकों ने 3 छात्राओं को कार से टक्कर मार दी। हादसे में घायल 1 छात्रा कोमा में है। तमिलनाडु के विरुड़ नगर में 56 साल बूढ़े एक हाथी का रेस्क्यू किया गया। हाथी को एक मंदिर के उत्सव में लाया गया था जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तमिलनाडु के कडलूर में एक हाईवे के किनारे एक कार के टुकड़े तिनकों की तरह बिखरे दिखाई दिए। यहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा कितना खतरनाक रहा होगा इसका अंदाजा सड़क किनारे गिरी इस कार की हालत देखकर लगाया जा सकता है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद कार इतनी बुरी तरह पिचक गई कि उसमें फंसे लोगों को निकालना तक मुश्किल हो गया। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही सबने दम तोड़ दिया। बताया गया कि कार सवार परिवार ने त्रिची चेन्नई हाईवे के किनारे अपनी कार खड़ी कर रखी थी, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार अपने आगे खड़े ट्रक से टकराई और दोनों ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई। इसके बाद पीछे से आई कुछ और गाड़ियों ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे कार 2 ट्रकों के बीच फंसकर चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कार को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। जापान और चीन समेत कई देशों में कोरोना विस्फोट के बाद भारत लगातार अलर्ट पर है। भारत में लगातार दूसरे हफ्ते कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर से 1 जनवरी वाले हफ्ते में पूरे देश में कोरोना के 1,526 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक हफ्ते पहले के आंकड़ों से 25% ज्यादा है। यानी एक हफ्ते में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 25% तक बढ़ गई। इससे पहले 19 से 25 दिसंबर वाले हफ्ते में पूरे देश में कोरोना के 1,219 नए मामले सामने आए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी वाले हफ्ते में कोरोना से सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई, जो कि मार्च 2020 में भारत में कोरोना का कहर शुरू होने के बाद से सबसे कम मौत का आंकड़ा है। इससे पहले 19 से 25 दिसंबर वाले हफ्ते में कोरोना से सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान केरल में सबसे ज्यादा 467 नए मामले सामने आए, जबकि कर्नाटक में कोरोना के 276 नए मरीज मिले हैं।